मारुति सुजुकी ने भारत में नई स्विफ्ट को टेस्ट करना शुरू कर दिया है। इसके तीन टेस्ट मॉडल भारतीय सड़कों पर ढके हुए नजर आए हैं और इस अपडेटेड हैचबैक की नई जानकारी इंटरनेट पर सामने आई है। नई स्विफ्ट साल 2024 में लॉन्च हो सकती है और इसकी स्पाई तस्वीरों में ORBMs पर एल्यूमिनेटेड मार्किंग नजर आई है, जिससे उम्मीद है कि इसमें ब्लाइंडिंग स्पॉट मॉनिटर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मॉडल लेवल 2 ADAS है, लेकिन भारतीय मॉडल में इसके आने की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा स्विफ्ट में इंटीग्रेटेड DRLs के साथ नए डिजाइंस वाले LED हेडलैम्प्स, नए अलॉय व्हील्स और अपडेटेड बम्पर्स दिए जाएंगे। साथ ही एक्सटीरियर डोर हैंडल्स C-पिलर से हटाकर दरवाजों पर जोड़ा जाएगा। केबिन के इंटीरियर में 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लैक और वाइट थीम और नया AC कंट्रोल पैनल होगा। हाल ही में जापान में पेश हुई स्विफ्ट में नया Z12E 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन होगा, जिसमें CVT यूनिट और AWD सिस्टम को जोड़ा जाएगा। इसके पावर की जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कि भारत के लिए तैयार की गई स्विफ्ट में भी यह इंजन शामिल किया जा सकता है।